नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमित कुमार। आज डायरेक्ट टॉपिक में चलते हैं। देखिए, एक आज मैं सिंगल फेज का एक मोटर कनेक्शन किया था, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। आपको नॉर्मली मालूम होगा, मोटर का दो दो वाइंडिंग होता है। आपको मालूम है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, जो कि पहले बोलते हैं एक स्टार्टिंग वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया मोटर। ठीक है, ये आपका मोटर है। ठीक है, इसमें कनेक्शन कैसे देंगे पहले ये ड्राइंग में समझ लेते हैं, बाद में कनेक्शन। अब पहले क्या है, बेसिक आप समझ जाएंगे तो मोटर के बारे में कुछ सब कुछ कनेक्शन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, लाइन और न्यूट्रल में दिया, क्योंकि सिंगल फेज है तो डेफिनेटली 230 वोल्ट का है। ठीक है, ये वाइंडिंग वन, वाइंडिंग वन मतलब ये हो गया न्यूट्रल, सही है। ठीक है, ये वाइंडिंग वन, वाइंडिंग वन में पहले हम लोग लाइन जो देते हैं, ये वाइंडिंग वन हो गया। ये हो बाद में ये जो सीधा जाएगा हम लोग का वाइंडिंग का, देखिए सिंबल कैसा है। ठीक है, ये हो गया जो मैं बताया, वाइंडिंग वन जो है रनिंग का है। अभी इसमें जब हम लोग रनिंग बोला जाता है, ठीक है, इसमें जो वाइंडिंग का सिंबल देखिए, इसको वाइंडिंग सिंबल कहते हैं, जैसे कॉयल कॉयल होता है, इसका सिंबल में ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, समझ रहे सॉरी, ये देखिए कैपेसिटर। ठीक है, यह है वाइंडिंग का आखिरी सिरा में कैपेसिटर लगा के न्यूट्रल में दिया गया है। ठीक है, कैपेसिटर का सिंबल ये वाइंडिंग टू है, वाइंडिंग टू में आपको बता रहा था अभी। ये हो गया वाइंडिंग टू, जो कि हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, जब पावर जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग होकर कैपेसिटर होकर, क्योंकि कैपेसिटर जब है वो स्टार्टिंग देगा, तो स्टार्टिंग देगा कुछ रन होने के बाद ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा रनिंग में, रनिंग में जो डायरेक्ट कनेक्शन हुआ है। ठीक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, बेसिक मालूम पड़ जाएगा तो पूरा सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग। मोटर का सिंबल तो आप देख ही रहे हैं, बीच में रखा है, जो है मैं पहले लिख के दे दिया है। ठीक है, ये हो गया, पहले हो गया ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गया रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, देखिए मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको इजी पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ईजी है। आप जब कनेक्शन करने जाएंगे उसका तो ड्राॅइंग देख लीजिए, कैसा कनेक्शन है, कौन सा केबल है, कौन सा फेस में दिया गया है, कौन सा न्यूट्रल में है, क्योंकि थोड़ा अगर उल्टा हो जाएगा तो रिवर्स घूमेगा, कुछ मोटर का कुछ फॉल्ट नहीं होगा, देख के आप लोग समझ जाएंगे। पहले ये समझ लीजिए ऐसे कनेक्शन होता है, वाइंडिंग कौन सा है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कौन सा है और रनिंग वाइंडिंग कौन सा है, कहाँ कैपेसिटर लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मोटर का कनेक्शन। ये देखिए, एक 230 वोल्ट का मोटर में लाया है। ठीक है, एक कंडेंसर मोटर है जो चिलर में लगाया जाता है। ठीक है, ये वाला 230 वोल्ट है, इसमें मैं इसको डिस्क ये करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरा कवर निकल के, ये 10 MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है। ज़्यादा इसका कैपेसिटी करीबन ये 2-3 एम्पीयर का लेता है लोड। ठीक है, ये देखिए, इसमें देखिए दो ये जो ब्राउन कलर का केबल है, यहाँ पर केबल के ऊपर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि दुबई बेस्ड है। ठीक है, इसमें देखिए, ये 230 वोल्ट का है, समझ लिया। ये देखिए, अभी ये जो है दो ब्राउन कलर का देखते हैं, ये कैपेसिटर के लिए है। ठीक है, और ये देखिए, ये दो ब्राउन कैपेसिटर के लिए, और ये फेज न्यूट्रल कनेक्शन करना है, सिंपल है। लेकिन ड्राइंग में दिखाया, क्योंकि आपको कॉयल के बारे में मालूम पता चल जाएगा, कैसे अंदर कॉयल कैसे बनाया हुआ रहता है। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए बेहतर है, जब ड्राइंग चेक करेंगे तो आपको केबल का जानकारी मिल जाएगा, कौन सा कनेक्शन कैसे लगाना है। ठीक है, अब आखिर तक देखते रहिए वीडियो, आपको कनेक्शन बारे पूरा पता चल जाएगा। दोस्तों, आप वीडियो देखते रहे, अगर आपको वीडियो कहीं पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और आगे भी हमारा वीडियो आता रहता है। और आप इसमें अगर कोई जानकारी के लिए कोई कमेंट करे तो मैं कमेंट का रिटर्न भी करूँगा उसमें, और आपके दोस्त को भी शेयर कीजिए, क्योंकि ये तो जानकारी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये देखिए मोटर का बेस कैसा है, ये देखिए कैसे बनाया है, ये बहुत हेवी मोटर है। ठीक है, आपका साथ जो जो टूल्स वगैरह चाहिए साथ में ले लिया करिए, उसका साथ आपका जो मीटर है, क्लाम मीटर हो, क्लाम मीटर का आप तो सब लोग को मालूम होगा क्लाम मीटर किसे कहते हैं, जो मल्टीमीटर है वो क्लाम मीटर है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बेस फिक्स करके चेक करेंगे। ठीक है, देखिए सेट हो गया, ये देखिए मोटर सही घूम रहा है, कनेक्शन सही है।
ठीक है, मैं कनेक्शन किया जैसे आपको बताया था ड्राइंग में और दिखाया था उसी के सेम कनेक्शन सिंगल फेज को दिया है। आपको कलर कोड में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको दिया होगा वही उसी में कनेक्शन कीजिए, सब चलेगा। ठीक है, देखिए उसका है, देखिए मैं करो, ये सब जॉइंट मार के टेस्ट करने के लिए लगाया है, मैं सब अपने चेक कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए मोटर बराबर चल रहा है, मैं सब कवर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू।